हेलो आज हम सांप के डसने के बचाव के बारे में बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में कई किस्म के जहरीले सांप पाए जाते हैं हम इस इलाके में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चार जहरीले सांपों के बारे में बात करेंगे इसमें शामिल है कॉमन क्रेट द इंडियन द दासोस वाइपर एंड द सा स्की वाइपर जो उर्दू में संगचूर सांप कोबरा सांप डूबिया रसीला सांप और खपड़ा सांप के नाम से पहचाने जाते हैं जब आपको सांप डसता है तो सांप के जहरीले होने या ना होने में फ़र्क करना मुश्किल और नामुमकिन होता है चाहे आपको मालूम हो कि आपको जहरीले सांप ने डस लिया है या गैर जहरीले सांप ने डस लिया है ये जरूरी है कि आप तिब्बी इमदाद हासिल करें अगर आपको सांप ने डस लिया है तो उसके मुख्तफ असके दांतों के निशान लाली सूजन, जख्म खून बहना और उस जगह पे शदीद दर्द अगर सांप आपको डस ले आप फौरन अपने करीबी हस्पताल या क्लिनिक में जाएं। हस्पतालों में तर्याक जहर मार दवाई होती है जो सांप के डसने के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है आप जितनी जल्दी इलाज के लिए हस्पता जाएंगे तर्याक जहर मार का असर उतना ही ज्यादा होगा ये मौत और कोमा जैसे संगीन असरात को रोकेगा आपको सांप के डसने के इलामत जाहिर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए अगर आपको सांप ने डस लिया है तो फौरन मदद तलब करें क्योंकि ये आपकी जान बचा सकता है सांप के काटे से जहर चूसने की कोशिश ना करें सांप के डसने पर रस्सी बांधने की भी कोशिश ना करें या जख्म को मजीद काटने की कोशिश ना करें और तिब्बी इमदाद लेने से पहले किसी भी सपेरे के पास जाने से परहेज़ करें सांप के डसने से बचाव के लिए आपको खुले पैरों वाले जूते पहनने से परहेज करना चाहिए ये सांपों को अपनी तरफ मत तवज्जो कर सकते हैं और पांव और टांगों पर डसने का सबब बन सकती हैं अगर मुमकिन हो तो बंद जूते पहनने की कोशिश करें आपको ऊंची जगह पर सोने की भी कोशिश करनी चाहिए जैसे कि चारपाई या बिस्तर पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी सोने की जगह के इर्द गिर्द मच्छरदानी लगाएं ताकि किसी भी सांप को करीब आने से रोका जा सके अगर आप रात के वक़्त घूम रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि साथ लाइट रखें जैसे कि लाल टैन याद रखें अगर आपको सांप ने डस दिया है तो फ़ौरी तौर पर तबी इमदाद हासिल करें क्योंकि वो आपको दर जहर मार दवा दे सकती है शुक्रिया